पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरांध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। वे भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपादलेश्वर, राय फितोरा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान 1235 विक्रम संवत में 15 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पृथ्वीराज चौहान की ऐसे तो कई रानियां थी, पर उनमें से संयोगिता उनकी सबसे प्रिय रानी मानी जाती है। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और उनकी ननद प्रथा ने लाल किले में जोहर करने का निर्णय लिया, जिसे पहले लाल कोट कहते थे। जोहर की तैयारियां होने लगी। वही मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को लेने का सपना संजोकर किले के बाहर डेरा डाल दिया। किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें यमुना का पानी बहता था। विशाल चिता की तैयारियां दिल्ली के लाल किले में होने लगी। इस किले की दीवार को लगाना व तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था, और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश हुआ। लेकिन उसे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, इस खाई को उनकी लाशों से भर दें। उन जिंदा गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। इनमें हिंदू भी थे जिन्होंने अपना धर्म और संस्कृति ना छोड़कर आजीवन गुलाम रहकर असीम यातनाओं का जीवन जीने को स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों ने हिंदू वीरों को खाई में फेंक कर खाई भरने लगे। महारानी संयोगिता ने किले में प्रवेश के लिए बने पुल को तुड़वा दिया था, लेकिन महारानी को पता नहीं था कि यह नया पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। जब खाई जिंदा शरीरों में से भर गई, उन्हीं लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास हाथियों ने किया, लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थी जो हाथियों से नहीं टूट रही थी। तब कुछ सैनिकों ने किले की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने मार दिया। अंत में किलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद्र को खड़ा किया गया। धीरचंद्र के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और किले की फाटक भी टूट गया। लेकिन तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया। यह हमारी हिंदू शौर्य कथा का एक सर्वर्ण पृष्ठ है जो हमारे इतिहास में पूर्णतः विलुप्त है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास पहुंचाएं। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।